हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास जीमेल में ये एरर आ रहा है या फिर गूगल का ये एरर आ रहा है 502 बैट गेटवे, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी पीसी में से, तो आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बेसिक टैब में आपको टाइम रेंज ऑल टाइम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको तीनों बॉक्स में चेक करना है। फिर आप यहां पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको जो है यहां पर कुकीज़ एंड अदर साइड डाटा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहां पर स्क्रॉल करना है, आप यहां पर देख सकते हैं सी ऑल साइड डाटा एंड परमिशन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्लियर ऑल डाटा के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्लियर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जो है गूगल क्रोम को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, फिर आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं चेंज अडाप्टर सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है, फिर आप सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। फिर आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर प्रीफर्ड DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए, अल्टरनेट DNS सर्वर में इस तरीके से टाइप कीजिए। उसके बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर क्लोज के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कमेंट प्रॉम्प्ट, राइट क्लिक कर रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर देना है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक और कमांड टाइप करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर दोस्तों आप जो है कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।